जीके किड्स। टीपू लाल की टिप। एक था टीपू लाल, वह पढ़ने लिखने में तो सिफर था, पर उसे नकल करने की गंदी आदत थी। इम्तिहान में जो भी लड़का उसके आगे बैठा होता, चुपके चुपके उसकी नकल करके अपनी कॉपी में लिखता जाता। इस तरह जैसे तैसे पास भी हो जाता। एक बार की बात, छमाई इम्तिहान के दिनों में टीपू लाल के आगे बैठा था कुक्कू। कुक्कू ने देखा पिछली सीट पर बैठा टीपू लाल उसकी कॉपी में से एक एक लाइन टीप रहा है। कुक्कू को बड़ा बुरा लगा। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत से पाठ याद किए हैं, यह टीपू लाल बिना कुछ किए धरे ही पास हो जाना चाहता है। तभी कुक्कू को एक तरकीब सूझी। इतिहास का पर्चा था, उसमें सम्राट अशोक के बारे में सवाल पूछा गया था। कुक्कू ने सवाल का जवाब देते देते अपनी कॉपी में लिखा, यह सारा कुछ मैं अपने से आगे बैठे एक समझदार बच्चे की कॉपी से टीप कर लिख रहा हूँ, क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। नकल की घबराहट में टीपू लाल ने यह भी लिख लिया। कुक्कू ने पूरा पर्चा हल करने के बाद चुपके से ये लाइन काट दी, पर टीपू लाल की कॉपी में तो वो लिखी ही जा चुकी थी। जब मास्टर जी ने टीपू लाल की कॉपी देखी तो बड़े हैरान हुए। अशोक ने कलिंग की लड़ाई कैसे जीती वाले सवाल का जवाब पढ़ते पढ़ते उन्हें बीच में लिखा दिखाई दिया, यह सारा कुछ मैं अपने से आगे वाले एक समझदार बच्चे की कॉपी से टीप कर लिख रहा हूँ, क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। पढ़कर मास्टर जी बहुत चक्के रह गए। उन्होंने इतिहास के पर्चे में टीपू लाल को गोल अंडा दिया। अगले दिन मास्टर जी ने क्लास के सब बच्चों को टीपू लाल की कॉपी दिखाई कि देखो तो टीपू लाल ने क्या लिखा है। टीपू लाल की कॉपी देखते ही सब बच्चे हंसते हंसते पागल हो गए। एक ने कहा, अरे टीपू लाल, नकल करते समय कुछ अकल का भी इस्तेमाल किया कर। टीपू लाल बेचारा क्या कहता, वह तो सिर झुकाए खड़ा था। कुक्कू हंसकर बोला, मास्टर जी, इसने मेरी कॉपी से ही सब कुछ उतारा है। वह लाइन मैंने ही अपनी कॉपी में टीपू लाल को छकाने के लिए लिखी थी, इसने जस की तस उतार ली। सुनकर टीपू लाल की हालत यह हुई मानो वह शर्म से जमीन में गड़ गया हो। धीरे धीरे टीपू की नकल की आदत छूटी तो वह पढ़ाई में भी ठीक ठाक चल निकला। हाँ, अब भी वह कुक्कू से मिलता है तो यह कहना नहीं भूलता, दोस्त कुछ भी कहो, तुम्हारा तरीका लाजवाब था। मैंने नकल की झोंक में देखा ही नहीं कि क्या लिख गया। इस पर कुक्कू और टीपू लाल दोनों ही जोरों से हंस पड़ते हैं। धन्यवाद।